बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एच बी विद तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ दलिया जो हैं इसके फ़ायदे और इसका जो कैसे तैयार किया जाता है वो शेयर करेंगे। तो दलिया जो है तलबीना, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहले ये कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखता है और ये मैदे की तेजाबियत को ख़त्म करता है और ये जो है ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखता है और पेट की हर किस्म की बीमारियों का ये इलाज है। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करता है और आपके जो मैदे में तेजाबियत जमा हो जाती है, आपको बार बार ऐसे लगता है कि वोमिटिंग हो रही है, तो इसके लिए बेहतरीन ग़िज़ा है। तो आज हमने ये तैयार किया और ये अभी शीशे के प्लेट में हमने निकाला है और इसके ऊपर हमको 1 टेबलस्पून शहद मिलाना है। शहद जो है वो भी तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। और इसमें दूध मिलाया गया है तो ये आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उसको ख़त्म करने वाला है। जो भी प्रॉब्लम आपको पेट का है या आपको हाई ब्लड प्रेशर का है, लो ब्लड प्रेशर का है, कोलेस्ट्रॉल का है, दिल की बीमारियों के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है। नाश्ता इसी से करें और अगर आपको ये नुस्खा अच्छा लगे तो औरों के साथ भी शेयर करें। हमें दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें और हमने इसको कैसे तैयार किया है वो आप देखें। अब हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम तैयार कर रहे हैं आपके लिए तलबीना। ये जौ का दलिया किस तरह तैयार होता है बहुत सारे बहन भाइयों ने पूछा है। तो हमने सबसे पहले 2 गिलास पानी लिया, स्टील का पतीला लिया। इसके बाद हम इसमें 1 कप जौ का दलिया ऐड करेंगे। ये देखें, ये 1 कप जौ का दलिया हमने लिया है और जैसे ही ये पानी जो है इसमें बॉयल आ जाए तो ये जो दलिया है इसमें मैं ये सारा ऐड कर दूंगी। इसको मैंने सबसे पहले भिगो दिया था, वो पानी मैंने निकाल दिया है, सबसे पहले अच्छे से वॉश कर लिया था। तो ये अब बन रहा है, तकरीबन 10 से 15 मिनट ये लेगा। इसमें हम हल्की आंच पे इसको बनाएंगे और चम्मच चलाते रहेंगे। इस तरह हल्की आंच पे इसको पकाएं। जब ये पानी इसका खुश्क हो जाए, थोड़ा सा पानी रह जाए, तो इसके ऊपर हम फिर दूध शामिल करेंगे। ये देखिए, मैंने क्लोज करके ये आपको दिखाना है। ये दलिया जो है अभी इसमें 20% कसर है पकने में, 80% ये तैयार हो चुका है। अब इसमें दूध जो है वो जाएगा 1 कप। अब मैं इसमें 1 कप दूध शामिल कर रही हूँ। अब हल्की आंच पे इसके लिए कड़ा होना है, क्योंकि अभी इससे पहले भी मेरा दलिया सारा गिर चुका है। मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ से हट गई तो एकदम से फिर इसमें बॉयल आ जाता है और सारा दूध जो है वो गिर जाता है। तो इस पे चमचा चलाना है आराम से और सब्र से काम लेके इसको ना 10 मिनट तक इसका वेट करना है कि अच्छे से ये दूध जो है इसमें रच बस जाए। दूध के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं और ये सारी चीज़ें जो मिल जाती हैं तो इसमें सेहत है। तलबीना जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास ग़िज़ा है। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई बीमार होता था तो घर में हांडी में ये दलिया ही पकाया जाता था और बीमार को ये खिलाया जाता था। तो
इसका इस्तेमाल करें अपनी ज़िंदगी को और अपनी सेहत को बेहतरीन बनाएं। ये देखें हमारा दलिया जो है अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुका है। ये इसकी सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि इसमें बबल जो है वो आने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप कस्टर्ड बनाएं या खीर बनाएं, कोई भी चीज़ आप दूध वाला बनाएं, इसमें बबल आने शुरू हो जाते हैं तो वो रेडी होता है। इसको अभी हम शीशे के प्लेट में निकालेंगे और सर्व करेंगे, इसके ऊपर शहद डालेंगे। तो चलिए देखते हैं, इसको निकालते हैं प्लेट में और इस पर शहद हम ऐड करेंगे और आपके साथ इसके फ़ायदे शेयर करेंगे।